फ्रेंड्स हम लोग FUT और FUE प्रोसेस कर चुके हैं, तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि FUT और FUE में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो अगर आप पास आ सकें, नाउ ये जो स्टेप है ये FUT का है जिसमें हम लोग स्टिचेस लगा चुके हैं एंड इसमें हम बालों को ज़्यादा ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं होती है एंड ये एक फाइन सी लाइन आती है FUT की जो कि बालों के बीच में आप देख पा रहे हैं ऐसे छुपी रहती है एंड ये जो उसके ऊपर हम लोगों ने पंच करके ये एक फाइन पंच यूज किया है 0.6 मिलीमीटर्स का, बहुत ही फाइन पंच है। इससे FUE के ये ग्राफ्स निकाले गए हैं। बीच बीच में बालों को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है ताकि कंटिन्यूस एक स्कार ना बन जाए और डॉट हील करें तो बीच में से बाल ग्रो कर जाएं। FUE की बिगेस्ट जो इशू आती है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल डेंसिटी थिनिंग हो जाती है FUE से, बट लकीली हमारे पेशेंट की डेंसिटी बहुत अच्छी है इस वजह से थिनिंग नहीं होगी ज्यादा। लेकिन अगर हम सेकेंड टाइम प्लान करेंगे इसके अंदर से FUT तो एक प्रॉब्लम बहुत आएगी बिकॉज देन यहाँ की डेंसिटी एक्चुअली बहुत कम हो जाएगी। वेयर एज FUT के ऊपर अगर हम करें, इस रीजन पे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट सेकेंड टाइम हम FUT भी रिपीट कर सकते हैं, FUE भी रिपीट कर सकते हैं। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम FUE की क्या होती है, हमारा जो परमानेंट डोनर जोन है वो यहाँ होता है। अब मैंने लिमिटेशन में रख के करीब करीब इतने ग्राफ्ट निकाले हैं हम लोगों, हमारी टीम ने निकाले हैं। सपोज मैं चाहूँ कि मैं 4000 ग्राफ्ट FUE से निकाल दूँ तो अब आप समझ सकते हैं कैसे होगा। या तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा इधर या इधर, इसके नीचे परमानेंट जोन खत्म हो जाता है इसका मतलब ये बाल गिर जाएंगे, और इसके ऊपर परमानेंट जोन खत्म हो जाता है इसका मतलब बाल फ्यूचर में गिर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू आता है FUE अगर हम बहुत एक्सटेंसिवली करें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों टेक्निक्स को जुडिशियसली यूज करके बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करें।